हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ चैप्टर नंबर 2, होल नंबर्स। द क्वेश्चन सेज राइट द सक्सेसर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। तो सक्सेसर को एक बार याद कर लेते क्या होता है। सक्सेसर होता है आफ्टर अ नंबर, मतलब जो उस नंबर के बाद आता हो। सक्सेसर कैसे निकालते थे हम, नंबर में प्लस 1 ऐड करके। तो जैसे ये नंबर है 2 4 4 0 0 1, तो इसमें अगर हम प्लस 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, 0 एज इट इज, 7 एज इट इज, तो हमारा नंबर हो गया, सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस। ऐसे अगर हम बी पार्ट करेंगे 1, इसमें भी प्लस 1 करेंगे तो 9 प्लस 1 10, ऊपर गया 1, 9 प्लस 1 10 2, तो सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज दिस। ऐसे इसमें प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 9 प्लस 1 10, ऊपर गया 1, फिर गया 0, यहाँ पे 1, 9 प्लस 1 10, फिर 9 प्लस 1 10, 0 आया यहाँ पे, फिर एक गया 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 1, और ये हो गया सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। ऐसे 2 3 4 5 6 7 0 में अगर हम प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2 3 4 5 6 7 1। सो तो एक बार और पढ़ लेते हैं, सक्सेसर क्या होता है, आफ्टर अ नंबर, जो इस नंबर के बाद आए। और सक्सेसर हम कैसे निकालते हैं, प्लस 1 ऐड करने पर। तो इन सब में हमने प्लस 1 ऐड करा तो हमारे पास सक्सेसर आ गए। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 6, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ ऑल दीज पार्ट्स। तो प्रीडिसेसर्स क्या होते थे, बिफोर अ नंबर। और हम कैसे काउंट करते, कैसे निकालते थे, बाय सब्ट्रैक्टिंग 1। तो अगर हम 94 में से माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 93। तो 93 इज द प्रीडिसेसर ऑफ 94। ऐसे ही इसमें से हम माइनस 1 करेंगे, 0 में यहाँ से कैरी लिया, 10 में से 1 गए 9, यहाँ बचे 9, यहाँ भी बचे 9, और यहाँ बचे 9, तो हमारा आ गया। फिर इसमें से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से ये बन गया 10 और ये बन गया 8, 10 में से 1 गए 9, 8 0 8 2 0, सो ये हो गया प्रीडिसेसर ऑफ दिस। यहाँ से माइनस 1 करेंगे, 1 में से 1 गया 0 2 3 4 5 6 7, सो ये इनके प्रीडिसेसर्स हैं। तो एक बार और देख लेते हैं, प्रीडिसेसर्स कैसे निकालते हैं, बाय सब्ट्रैक्टिंग माय 1 फ्रॉम द नंबर, एंड प्रीडेसर्स आर बिफोर अ नंबर।